हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसर। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप के रिलेटेड टॉप 5 ऐसे सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो आप यूज़ करके बहुत ही इंजॉय करेंगे। ट्रिक नंबर 1 जो है वो ये है कि आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने स्टेटस को, लास्ट सीन स्टेटस को कैसे आप हाइड कर सकते हैं, कि आप किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप किस टाइम आपने किसी बंदे का मैसेज जो है वो सीन किया है। मैं आज आपको बताऊंगा, ये जो डबल टिक ब्लू है, ये वाला आप ब्लू किए बगैर, मतलब आपने मैसेज रीड भी कर लिया है तो उस दूसरी साइड पे ये दो टिक जो है ये ब्लू नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आज मैं 5 के 5 ट्रिक आपको किसी भी ऐप को, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल किए बगैर आज मैं आपको शो करवाने जा रहा हूँ। सारा कुछ आज हम इसी व्हाट्सएप के अंदर ही, इसी के सेटिंग के अंदर ही सारा कुछ देखेंगे। आज हमने एक्सटर्नल चीज़ कोई भी इंशाल्लाह इंस्टॉल नहीं करनी। और नंबर 2 पे जो ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने मैसेज किसी का रीड करना है, रिप्लाई करना है, नहीं करना, ये आपकी मर्जी है। जब भी आपने व्हाट्सएप ओपन किया तो दूसरी तरफ रिसीवर की तरफ आप स्टेटस आ जाता है ऑनलाइन, जिसका मतलब होता है कि ये बंदा ऑनलाइन है, ठीक है। तो आपने जो दूसरे ट्रिक के अंदर मैं ये भी आपको शो करवाऊंगा कि आपने ये ऑनलाइन का स्टेटस जो है ये भी दूसरी साइड पे शो नहीं होने देना। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूं हमने ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 जो है वो कट्ठा हम यहां, तो ये मैं आपको बताता हूं। ये मेरा मोबाइल है, इस पे मैंने करनी सेटिंग। तो मैं क्या करूंगा, ये मेन स्क्रीन पे जाके, तो मैंने करना क्या है, ये 3 डॉट है, इस पे मैंने करना क्लिक। फिर मैंने जाना सेटिंग के अंदर, सेटिंग में जाके जाना अकाउंट के अंदर, फिर मैंने जाना प्राइवेसी के अंदर, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है लास्ट सीन, इसको करना है क्लिक। ये एवरीवन है, इसको मैंने कहा देना नो बॉडी। तो ये जो दूसरे मोबाइल पे इस यहाँ पे शो, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे जो शो हो रहा होता है लास्ट सीन इतने बजे इतने बजे। अब मैंने अपने मोबाइल पे सेटिंग कर दी है लास्ट सीन, ये मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये देखें लास्ट सीन की सेटिंग मैंने नो बॉडी कर दी है। तो अब किसी भी मोबाइल पे ये लास्ट सीन मेरा शो नहीं होगा। और दूसरी मैंने काम जो करना है वो ये है कि नीचे ये जिस जगह लिखा हुआ रीड रिसिप्ट्स, इसको मैंने डिसेबल कर देना है। ये दो काम करने हैं, इसके डिसेबल होने से वो जो दो लाइन ब्लू होती हैं वो नहीं होंगी दूसरे मोबाइल पे। मतलब कि मैंने मैसेज पढ़ लिया तो जिसने सेंड किया वहाँ उसकी तरफ ब्लू जो 2 लाइन है ना वो ब्लू नहीं होगी, उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने ये मैसेज रिसीव कर लिया, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। ये दो काम करने हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ मैसेज सेंड करके इस मोबाइल पे, तो इसको रखते हैं यहाँ पे, ये ब्लर इसका मैं करता हूँ ख़त्म। ये ले, अब हमने 2 काम किए हैं, एक तो लास्ट सीन जो यहाँ पे शो होता है वो नहीं शो होना, और जो ब्लू टिक है वो जो है वो नहीं यहाँ पे शो करनी। तो ऑनलाइन ये रिमूव करना, ये मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से मैसेज करता हूँ सेंड उसको हाय, ये ले, अब उसको मैसेज चला गया है, इधर मैसेज आ गया है। अब ये देखिए, ये बंदा करता है रिप्लाई, हेलो आई गॉट योर मैसेज, ये उधर से हुआ रिप्लाई। अब ये देखिए इधर आ गया है, मैं आपको ये बताऊं, हाय वाला जब मैसेज गया उसने कर लिया रिसीव, तो ये ब्लू नहीं हुआ, ब्लू नहीं हुआ। अब नंबर 2 पे इसको मैं पीछे ऐप को बंद भी कर देता हूँ। 2 चीज़ें हमने की हैं कि इधर से हाय का मैसेज गया मेरे मोबाइल पे, मैंने सीन भी कर लिया, मगर ये वाले टिक जो है ये ब्लू नहीं हुए, ठीक है। और उधर रीड हो भी गया, ये ब्लू नहीं हुए। और दूसरा ये यहाँ पे जो लिखा होता है लास्ट सीन इतने बजे, ये भी रिमूव हो गया। एक जो हमारा जो था ट्रिक वो हो गया कवर। अब हमने ये करना है कि ये मैसेज करता है इसको, अब इसने करना है सीन, तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस भी शो ना हो। उसकी ट्रिक क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर ये मैसेज बंदा कर रहा है, लेट्स वो ये देखिए, ये दूसरे मोबाइल पे मैसेज गया, वो देखिए दूसरे मोबाइल पे मैसेज आया, और जैसे ही उधर रीड होना है ना मैसेज, ये देखिए मैसेज रीड होना है ना, तो ये देखिए इस मोबाइल पर ऑटोमेटिकली ऑनलाइन का स्टेटस आ गया। ये मैं आपको दिखाऊँ,
ब्लर खत्म करके दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए इसमें ऑनलाइन का स्टेटस ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये दूसरा जो ट्रिक है ना, ये ऑनलाइन का स्टेटस भी ख़त्म करना है, तो आपने ये ट्रिक अप्लाई ऐसे करना है कि ये बंदा इसको मैसेज करता है ना, तो मैंने रिप्लाई भी करना और यहाँ पे ऑनलाइन ना शो हूँ। तो ये मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये मैं क्लियर करता हूँ चैट शुरू से। ये देखिए दोनों की चैट मैंने की क्लियर, ये ले। अब इस बंदे ने मैसेज करना है, लेट्स सपोज ये देखिए मैं मैसेज करके दिखाता हूँ, इसको मैं करता हूँ बंद इस ऐप को। अब यहाँ से मैसेज किया, ये देखिए हाय, ये मैसेज किया। अब वो देखिए उस दूसरे मोबाइल पे मेरे पे मैसेज आ गया, अब मैंने रिप्लाई करना है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन मैं शो ना हूँ। तो मैंने पता क्या करना है, मैं क्या करना है, मैं अपने मोबाइल का ना अब मैं रिप्लाई करना है उसको शो ना ऑनलाइन। अब अभी देखिए, ये देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा ना ऑनलाइन, ये मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन शो नहीं हो रहा, मगर जैसे ही मैंने उधर से मैसेज पढ़ना है ना तो यहाँ ऑनलाइन शो हो जाना। तो ये चीज़ से मैंने बचना है, तो मैंने मैसेज कैसे पढ़ना, मैसेज भी पढ़ना है और यहाँ पे ऑनलाइन भी शो नहीं होना। तो मैंने अपने मोबाइल से पता क्या करना है, इसका पहले मैं करना है, ये मैं ब्लर ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ। इसका सबसे पहले मैंने ना डाटा कनेक्शन ऑफ करना है, लेट्स सपोज मैं ये वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर ये आप डाटा कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऑफ करना है। नेट मतलब कि इस मोबाइल से बंद करना है, नेट बंद करके ना फिर मैंने उस मैसेज को रीड करना है। ये देखिए इस मैसेज को मैंने किया रीड, हाय का मैसेज आया हुआ है, ठीक है। अब मैं रीड कर लिया है, तो इधर मैंने करना है रिप्लाई, तो रीड भी कर लिया। ये देखिए मैंने मैसेज रीड कर लिया, अभी भी इस दूसरे मोबाइल पे मैं आपको दिखाता हूं ब्लर खत्म करके। ये देखिए इस मोबाइल पे मैंने मैसेज रीड कर लिया, मगर इधर ऑनलाइन का स्टेटस यू अभी नहीं आया, ठीक है। अगर तो आपने ऐसा ही करना है, रिप्लाई नहीं करना, ऑनलाइन यहाँ नहीं शो हुआ, तो आपने मैसेज पढ़ लिया। सिंपल, अगर आपने मैसेज ही पढ़ना है, दूसरे बंदे को नहीं पता चलने देना है, रिप्लाई भी नहीं करना, तो आपने पता क्या करना, डाटा कनेक्शन इसका ऑफ है ना, चुप करके आपने इसको कर देना है एप्लीकेशन को बंद, बंद करके फिर आपने इसका डाटा कनेक्शन ऑन कर लेना है। तो मैसेज भी आपने पढ़ लिया, इसको शो ही नहीं होना है कि आपने मैसेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लेट्स फॉल मैं अब इसका रिप्लाई भी करना चाहता हूँ और ऑनलाइन ना शो हो कि मैं ऑनलाइन हूँ। ये देखिए मैसेज तो मेरे को आ गया है, डाटा कनेक्शन मेरा ऑफ है, तो मैं पता क्या करना है, अब डाटा कनेक्शन ऑफ है ना, ऑफ डाटा कनेक्शन ऑफ के दौरान ही मैं मैसेज इसको करना हेलो। अब ये मैसेज जो मैं इसको करना ना, ये मैं किया सेंड, अभी ये सेंड नहीं होगा क्योंकि इसका मैंने डाटा कनेक्शन किया हुआ ऑफ। तो मैं अब क्या करूँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इसको एप्लीकेशन को मैं करूँगा बंद इस मोबाइल से, ठीक है ना। अब ये देखिए इसको मैं करूँगा डाटा कनेक्शन को अपने को ऑन इस मोबाइल पे। अब इस मोबाइल पे बड़े पे फोकस करना, ये मैं आपको ब्लर ख़त्म करके दिखाता हूँ। अब इस बड़े मोबाइल पे वो मैसेज भी आ जाना है जो मैंने उधर सेंड किया था डाटा कनेक्शन बंद करके, मगर ऑनलाइन स्टेटस भी नहीं यहाँ पर शो होना। ये देखिए हेलो मैसेज आ गया है, अब मैं आपको ऊपर शो करवाऊँ, ये देखिए ये ब्लर ख़त्म करता हूँ एक सेकेंड। ये देखिए मैसेज भी आ गया है मगर ऑनलाइन स्टेटस जो है वो भी अभी तक शो नहीं हुआ। तो ये दो ट्रिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप के अंदर आज हमने कवर किए। तो नंबर 3 पे जो आज मैं आपको व्हाट्सएप का ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने अपनी चैट को कैसे फिंगरप्रिंट के थ्रू सिक्योर करना। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना कि मैं ये मेरी व्हाट्सएप है तो ये मेरी परमिशन के बगैर, मेरे अंगूठे के बगैर कोई बंदा इसको मतलब मैंने फिंगरप्रिंट देना तो ये लॉक हो जानी है, एक ही सेटिंग है। तो ये मेरे फिंगरप्रिंट के बगैर कोई बंदा इस चैट को ओपन ही ना कर सके, पढ़ ही ना सके। अगर किसी ने पढ़नी है तो वो फिंगरप्रिंट मांगे तो वो मेरा ही लगेगा थंब, तो ये एक्टिव होएगी चैट व्हाट्सएप की। तो उसके लिए आपने जाना है अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है, ओपन करना है, ओपन करने के बाद ऊपर ये 3 जो डॉट दिए गए हैं इनको करना है आपने क्लिक, क्लिक करके जाना है आपने सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर जाके आपने जाना अकाउंट में, अकाउंट के अंदर जाके आपने जाना प्राइवेसी, और स्क्रोल करके आपने जाना एंड पे, एंड पे जिस जगह लिखा हुआ है आपने फिंगरप्रिंट लॉक, इस पर आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ये ऊपर इसको करना है अनेबल करने के बाद आपने यहाँ पे अपने जो फिंगरप्रिंट का आपका सेंसर है मोबाइल के अंदर उसको आपने अपना थंब रख के उसको करना है टच सर पे,
ये लें, ये अनेबल हो गया। अब ये आपसे पूछता है कि आपने ये लॉक कब लगाना है, फिंगर लॉक जो है अपनी व्हाट्सएप को कब कब लगाना है। बताऊँ इमिडिएटली, लेट्स वो मैं सेव करता हूँ इमिडिएटली वाला, इमिडिएटली मैं सेव करके मैं फेंकता हूँ अपनी व्हाट्सएप को नीचे। अब मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ, ओपन करता हूँ व्हाट्सएप। तो ये देखिए, ये मेरे से पूछेगा कि आप किसी का भी इसको लगा हुआ है फिंगरप्रिंट लॉक, तो जब मैं फिंगर इसको ये दोबारा इस पर सेंसर पे लगाऊंगा, फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो ये ओपन होगा। ये देखिए, इसमें मैं लगाता हूँ फिंगरप्रिंट, तो अब जाके ये मेरा डाटा जो है ये शो हुआ मुझे। तो ये था पहला फीचर। चौथा ट्रिक जो आज मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि कोई भी ग्रुप है, ठीक है, या कोई भी सिंगल पर्सन है, वो आपको अलाम बलाम ऐसी गलत गलत पिक्चरें सेंड करता रहता है या कोई वीडियो सेंड करता रहता है जिसको आप देखना नहीं चाहते अपनी गैलरी के अंदर, जिसको आप अपनी गैलरी के अंदर सेव नहीं करना चाहते। ये बंदा है, ये मुझे कोई गलत पिक्चरें भेजता है, ये कोई ग्रुप भी हो सकता है, तो ये गैलरी में ना जाएं, कैसे हाइड करना है, तो मैं ये आपको बताता हूँ। आपने इस बंदे की या इस ग्रुप की, किसी भी ग्रुप हो सकता है बंदा, इस पर आपने प्रोफाइल पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने ये थ्री डॉट बने हुए हैं, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये लिखा हुआ व्यू कॉन्टैक्ट, व्यू कॉन्टैक्ट पर आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये नीचे जिसका लिखा हुआ मीडिया विजिबिलिटी, इसको आपने करना है क्लिक। तो ये बाय डिफॉल्ट यस है, तो आपने इसको कर देना नो, कर देना ओके। फ्रेंड पांचवा जो ट्रिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट्सएप का, कि आपने लेट्स सपोज मैं इस बंदे के साथ चैटें की हैं, कोई मेरी इसके साथ अनबन होती है, तो मैं सेंड करना चाहता हूँ इसको मैसेज, जो हमारी कन्वर्सेशन जो हमारी बातचीत, तो ये वो सेंड करना चाहता हूँ बजाय इसके कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेके अकेले के लिए तस्वीर सेंड करूँ। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा इस बंदे की तो इसका नेम है कॉन्टैक्ट के अंदर सेव, उसमें मैंने करूँगा और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद जाऊँगा ये मोर के अंदर। मोर पे जाने के बाद जिस जगह लिखा हुआ एक्सपोर्ट चैट, एक्सपोर्ट चैट को मैं करूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद इसको मैं किसी को भी ये सेंड कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी मैं सेंड कर सकता हूँ, मेल भी कर सकता हूँ, ये PDF की फॉर्म में जाएगी। लेट्स सपोज मैं व्हाट्सएप पे सेंड करना है, तो इसको मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद मैं बंदा कोई करता हूँ सिलेक्ट, लेट्स सपोज मैं ये बंदा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ये लें जी, इस पर मैंने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद ये वाली जो चैट है ये अपलोड हो के उस बंदे की, तो आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। ये देखिए, व्यू भी आप इसको कर सकते हैं चैट को। इसको मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए जो हमारी बातचीत हुई है, ये देखिए किस टाइम पे हुई है ये सारी, ये देखिए ये PDF की फॉर्म में आप किसी को भी पूरी चैट जो है वो सेंड कर